एक बड़ी अच्छी सफलता मिली हुई है बाणगंगा में भी। बाणगंगा की जो हमारी एक क्राइम सेल है जो अक्सर वारदातों को ट्रेस करती है, उसके द्वारा जो भाविका ज्वेलर्स पे कुछ लोगों के द्वारा वारदात की गई थी, वो लगभग 19 अंगूठियां और एक हाय जो बच्चों को पहनाई जाती है वो वहाँ से चोरी हुए थे। उस पर से वो जो तरीका ये वारदात था, ये थोड़ा सा लग रहा था कि कोई ना कोई गैंग है, या तो पारदी गैंग है या ईरानी गैंग है। उस पर से हमारी सर्विलेंस की टीम ने, हमारी क्राइम की टीम ने, जो पुराने हमारे अधिकारी हैं, क्योंकि इनको मोडस अपरेंडिया काफ़ी कुछ जानकारियों में हैं, तो इनके द्वारा ये संदेह व्यक्त किया कि ईरानी गैंग है। उस पर से संदेह के आधार पर दो ईरानी लोगों को पूछताछ में लिया गया, जिनके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया है। उसमें से एक जाकिर है जो भानपुर भोपाल का रहने वाला है, और एक अमजद है जो हुसैन टेकरी जावरा रतलाम का रहने वाला है। इनके द्वारा वारदात करना कबूल किया गया है, और जो मसरूका चोरी किया गया था वो मसरूका भी वजह सबूत जब्त किया गया है। उसमें से 19 अंगूठियां एक हाय वजह सबूत जब्त कर ली गई है। और इनके द्वारा जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी, जो जावरा से लेकर के मोटरसाइकिल लेकर के चले हुए थे, वो भी वजह सबूत जब्त की गई है।